बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मोहम्मद ज़ैफ़ा। और आज जो हम सवाल देखने जा रहे हैं, आपके पास पेपर स्प्रिंग 2020 लास्ट अटैम्प्ट का जो पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और गवर्नमेंट ग्रांट को एक साथ टेस्ट किया गया था। ठीक है जी, तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू नॉन करेंट एसेट्स ऑफ दस्तगीर लिमिटेड। DL परचेज्ड ए स्पेशलाइज व्हीकल फॉर ₹370 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2017। The vehicles have an estimated useful life of 10 years with a residual value of ₹30 million. The revalued amount of the vehicle as at 31 December 2018 and 2019 were determined at ₹302 million and ₹290 million respectively. सही है जी, लाइफ में हमने दो मरतबा इसको रिवैल्यू किया, एक 2018 को और एक 2019 में। देयर वॉज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू, मतलब यूजफुल लाइफ जो 10 ईयर्स थी वो थ्रू आउट दी इसकी लाइफ रही, और 30 मिलियन की जो रेजिडुअल वैल्यू थी वो थ्रू आउट दी लाइफ रही। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है कि DL सेटअप अ मैनुफैक्चरिंग प्लांट इन अ रिमोट एरिया एट अ कॉस्ट ऑफ ₹280 मिलियन। द प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स। द प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018 एंड वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल 2018। द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन 1 जून 2018। अच्छा जी, अगर मैं एक चीज़ ज़रा सी बता दूं अभी कि डेप्रिसिएशन हम कब से स्टार्ट करेंगे। प्लांट हमने परचेज़ किया था 1 जनवरी को और अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ था 1 अप्रैल को। यूज़ करना हमने स्टार्ट किया था 1 जून को। ठीक है, तो हमारी अगर आपको याद हो IAS 16 में हम पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होना शुरू होती है, जब प्लांट हमारा अवेलेबल फॉर यूज़ है, मतलब डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुई होगी हमारी 1 अप्रैल 2018 से। भले से हमने 1 जून में आके हमने प्लांट यूज़ करना शुरू किया हो, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज़ वो 1 अप्रैल को था, तो डेप्रिसिएशन भी 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, फिर उसके बाद ऑन 1 जुलाई 2018 DL रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹120 मिलियन टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा जी, द सेंक्शन लेटर स्टेट्स दैट इफ DL सीजेस टू यूज़ द प्लांट इन द रिमोट एरिया बिफोर 31 दिसंबर 2021, DL वुड बी रिक्वायर्ड टू पे द ग्रांट इन फुल। कि अगर हमने प्लांट यूज़ करना बंद कर दिया तो पूरा का पूरा ग्रांट हमें वापस करना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि अ वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी 2018। प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन यूज़ ऑफ DL। अच्छा जी, मतलब ये IS 16 है, IS 16 से एक एलिमेंट उठ के चला गया किसमें, IAS 40 में। ठीक है जी, तो इसको रेलिवेंटली अकाउंट फॉर करेंगे। On 1 जनवरी 2018 द कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द ईयर वेयर हाउस वॉज ₹280 मिलियन एंड 16 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। 80 मिलियन का प्लांट था 1 जनवरी को और 16 साल की उसकी यूजफुल लाइफ बाकी थी। फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज। 1 जनवरी 2018, मतलब जिस दिन हमने ट्रांसफ़र किया उस दिन ₹104 मिलियन का था। साल के एंड पे 31 दिसंबर 2018 को ₹96 मिलियन का था और 31 दिसंबर 2019 को ₹115 मिलियन का था। अच्छा जी, फिर अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें बता रहा है कि DL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सबसिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर स्पेशलाइज्ड व्हीकल फॉर विच रिवैल्यूएशन मॉडल इज़ यूज। मतलब जी कि सिर्फ ये जो व्हीकल का एलिमेंट है इसको हम रिवैल्यूएशन मॉडल पर कैरी करेंगे, और ये प्लांट जो है हमारा ये कैरी हो रहा होगा कॉस्ट मॉडल के ऊपर। ठीक है जी, DL ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। ठीक है जी, गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम एंड अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर्ड टू इनकम ईच ईयर। ग्रांट को कैसे ट्रीट करना है ये भी बता दिया, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरीड आउट एट फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा जी, अगर ये वाली लाइन ना भी देता तब भी हम फेयर वैल्यू मॉडल पे ही कैरी करते, क्योंकि IAS 40 बोलता है कि अगर आप फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को फेयर वैल्यू पे ही कैरी करोगे। कॉस्ट मॉडल सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में यूज़ होगा कि जब आपको फेयर वैल्यूज डिटरमाइनेबल ना हो। ठीक है जी, अच्छा रिक्वायरमेंट में क्या है कि प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम DL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। तो हमने PNL के एक्सट्रैक्ट्स बनाने और बैलेंस शीट के भी एक्सट्रैक्ट्स बनाने। लास्ट पॉइंट में उसने क्या बोला कि शो कंपेरेटिव फिगर्स, मतलब 2019 के साथ साथ 2018 के लिए भी हमने काम करना है। अच्छा जी, तो अब क्या करते हैं हम, एक एक करके एक एक इन्फॉर्मेशन को पिक करके काम करना शुरू करते हैं। जो चीज़ें हमारे काम की होंगी उनको हाईलाइट करते चले जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में अगर लूँ मैं, वर्किंग नंबर 1 अपनी बनाता हूँ व्हीकल के लिए। ठीक है जी, हमने व्हीकल परचेज कब किया था, किया था 1 जुलाई 2017 को,
और 2 साल इसको पूरा हमने यूज़ किया है। तो अगर मैं काम शुरू करूँ, हमारे पास कॉस्ट आ रही होगी ऑन 1 जनवरी 2017 कितने की, 370 मिलियन की, ठीक है जी। 2017 के लिए हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितनी आई होगी ये, 370 मिलियन का प्लांट था, माइनस 30 मिलियन इसकी रेजिडुअल वैल्यू, ये गिवन हमें, ठीक है जी। और हमने परचेज कब किया है, जुलाई को, तो मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने यूज़ किया इसको, तो डिवाइडेड बाय 10 इसकी यूज़फुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 6/12 यूजेज ऑफ प्लांट, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 17, सही है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 2017 में, माइनस कर दिया तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2017 की, जो कि कितनी है मेरे पास, 353। अच्छा जी, ये फिगर मेरे अपना बैलेंस शीट में और पीएनएल में नहीं आएगी, क्योंकि ये 2017 की फिगर्स हैं, तो 2017 से मुझे काम नहीं है, मुझे 2018 और 2019 का काम है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी 2018 की। अच्छा जी, ये कैसे चार्ज हुई होगी जी, 370 मिलियन की कॉस्ट माइनस 30 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, सही है जी। ये वैल्यू मेरे पास आई होगी कितनी, 34, तो 2018 की डेप्रिसिएशन आके मेरे पास 34, और ये फिगर मेरे लिए काम की है, क्यों, ये फिगर सर पीएनएल में मौजूद आएगी एज एन एक्सपेंस, सही, एक्सपेंस के तौर पे 34 मैं पीएनएल में अपने शो कर रहा हूँ 2018 के। अच्छा जी, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो 353 माइनस 34 मेरे पास फिगर आएगी 319 की, ठीक है जी। ये कैरिंग वैल्यू कब की है, कैरिंग वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2018, ये फिगर मेरे लिए काम की है, क्यों, क्योंकि ये फिगर बैलेंस शीट में आ रही होगी एज अ कंपैरेटिव फिगर 2018 का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। अच्छा जी, 2018 हो गया, 2018 के बाद अब इसकी 19 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले रिवैल्यूएशन का काम आया। रिवैल्यूएशन के बारे में क्या बोल रहा है कि द रिवैल्यूड अमाउंट ऑन 31 दिसंबर वॉज 302 मिलियन, सही, 319 मिलियन पे हमारा एसेट 2018 पे खड़ा हुआ है, और रीवैल्यूड अमाउंट ऑन 2018 जो है वो आ रही है हमारी 302 मिलियन। तो मतलब 319 और 302 के दरमियान का जो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, वो मैंने निकाल लिया रीवैल्यूएशन लॉस, जो कि कितना आया सर, जो कि आया 17, सही। ये फिगर सर पीएनएल के लिए है, पीएनएल में ज़्यादा लॉस ट्रीट हो जाएगी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर क्योंकि रिवैल्यू हुआ है तो इसका मतलब ये 319 मेरे किसी काम का नहीं रहा, बल्कि इसकी जगह मेरे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में 302 आ रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, रिवैल्यू कर लिया हमने, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019 कैसे चार्ज करेंगे सर डेप्रिसिएशन, मेरा एसेट है 302 मिलियन का, सही। सवाल में बोल रहा है कि देयर वॉज नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू, मतलब रेजिडुअल वैल्यू 30 ही रही, सही है जी। और डिवाइड करूंगा किससे सर, 10 साल की टोटल लाइफ थी, 6 महीने मैंने 2017 में डेप्रिशिएट किया, 1 साल पूरा मैंने 2018 में डेप्रिशिएट किया, मतलब 1.5 साल मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो 10 माइनस 1.5 ये मेरे पास 8.5 इसकी रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ बची। तो रिवैल्यूएशन के बाद क्योंकि हम अपनी डेप्रिसिएशन रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं, तो ये डिवाइड होगा 8.5 से। अच्छा जी, डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो डेप्रिसिएशन की फिगर आ रही है वो आ रही है 32 की, सही है। माइनस कर देते हैं दोनों को तो मेरे पास फिगर आती है 270 की। ये क्या है सर, ये है मेरी कैरिंग वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2019, सही है जी। ये 32
ये मेरे काम का है क्योंकि ऐसा डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा होगा ये, ठीक है जी। 2017 काम का नहीं है, 270 काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि सर अभी ये रिवैल्यू होना है। अच्छा, रिवैल्यूएशन के लिए जो मेरे पास फिगर दी गई है मुझे सवाल में, वो बोला है कि 290 मिलियन पे रिवैल्यू हुआ, अभी हम खड़े हुए हैं 270 पे, मतलब हमें रिवैल्यूएशन अपवर्ड करनी है सर। लेकिन डायरेक्ट मैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पहले का मेरे पास कुछ रिवैल्यूएशन लॉस बुक हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो रिवैल्यूएशन लॉस है उसको रिवर्स करूँगा, एज अ रिवैल्यूएशन गेन अपने पास रिकॉर्ड करूँगा, रिवैल्यूएशन गेन जो कि चार्ज कहाँ होगा सर, जो चार्ज होगा डायरेक्ट पीएनएल में, सही है जी। जो अपना रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स कैसे करेंगे सर, 17 की इसकी रिवैल्यूएशन हुई थी, 17 का मेरे पास रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, ठीक है जी। एक साल मैंने इसको यूज़ कर लिया, तो मतलब एक साल का बैलेंस मेरा अपना लॉस के तौर पर ट्रीट हो चुका होगा। मतलब इसको डिवाइड बाय अगर 8.5 करूं, तो मेरे पास जो फिगर आती है 2, ये वो फिगर है जो साल 2018 में मैंने एज अ रिवैल्यूएशन लॉस बुक कर लिया होगा, जो मेरा ट्रीट हो गया होगा। मतलब अभी रिवैल्यूएशन लॉस बाकी कितना बचा मेरे पास, 17 - 2, तो 15 का मैंने रिवैल्यूएशन गेन अपने पीएनएल के लिए रिकॉर्ड कर लिया। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या चीज़ आएगी सर, 270 अगर इसमें प्लस करूं मैं 15, तो मैं पहुँचना 285 पे। मुझे पहुँचना कहाँ पर है, मुझे पहुँचना है 290 पे। तो मतलब अभी भी 5 से डिफरेंस आ रहा है, तो मैंने 5 का रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर लिया। एक चीज़ सर पीएनएल के लिए थी, दूसरी चीज़ बैलेंस शीट के लिए है, ठीक है जी। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास फिगर आएगी 290 मिलियन की, जो कि मेरी रिवैल्यू है, रिवैल्यूड फिगर है, रिवैल्यूड अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2019। सही, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है जी। सर यहाँ पे आके मेरा व्हीकल का काम मुकम्मल हुआ। क्या क्या चीज़ें निकाली सर मैंने इसमें, 2018 के लिए अगर मैं देखूँ तो 2018 की एक डेप्रिसिएशन आ रही है मेरे पास, 2018 का रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है मेरे पास, और 2018 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है बैलेंस शीट के लिए मेरे पास, ठीक है जी। यही बैलेंस मेरे लिए ओपनिंग बन जाएगा 2019 के लिए, अच्छा जी। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन अगर मैं चेक 2019 के लिए अगर मैं चेक करना शुरू करूं, तो मेरे पास 32 की डेप्रिसिएशन आ रही है 2019 की, रिवैल्यूएशन गेन फॉर पीएनएल आ रहा है मेरे पास 15 का, 5 का मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, जो ट्रीट होगा बैलेंस शीट में, यानी बैलेंस शीट के फेस पे शो किया जाएगा, और क्लोजिंग फिगर आ रही है 31 दिसंबर 2019 ऑफ पीपीई यानी व्हीकल की 290 मिलियन की, सही है जी। अच्छा जी सर, मैंने व्हीकल का काम तो पूरा मुकम्मल कर लिया, अब बारी आती है प्लांट की। प्लांट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें काम की हैं। हमारे एक प्लांट की कॉस्ट है 280 मिलियन की, और यूज़फुल लाइफ है 8 ईयर्स की। परचेज़ किया गया था 1 जनवरी 2018 और 1 अप्रैल 2018 से अवेलेबल फॉर यूज़ था, जहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है, और कमर्शियल प्रोडक्शन ये वाली लाइन यानी हमारे काम की है ही नहीं। अच्छा, इसी के साथ हमें 1 जुलाई को एक गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है 120 मिलियन का, और अगर हमने ग्रांट कहीं अपना पूरा यूज़ नहीं सॉरी प्लांट अपना पूरा यूज़ नहीं किया, तो ये ग्रांट रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सवाल में कहीं भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हमने कमर्शियल प्रोडक्शन अपनी रोक दी है, तो इसका मतलब हमने प्लांट पूरा यूज़ किया है जितना हमारे लेटर स्टेट कर रहा था 31 दिसंबर 2021 तक। तो मतलब हमारी कमर्शियल प्रोडक्शन कहीं नहीं रुकी, मतलब हमें ये ग्रांट वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो वर्किंग नंबर 2 पे मैं शुरू करता हूँ अपने प्लांट के लिए काम, ठीक है जी। अच्छा जी, 1 जनवरी 2018 को हमने प्लांट ख़रीदा, लेकिन काम का वो नहीं है, बल्कि हमारे काम का है 1 अप्रैल, क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज़ हमारे पास 1 अप्रैल को हुआ था, जहाँ पे इसकी कॉस्ट आई थी 280 मिलियन की, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं सर इसके साथ, डेप्रिसिएशन फॉर 2018 कैसे चार्ज होगी। 280 मिलियन का प्लांट है, ठीक है जी, और डिवाइड किया मैंने इसको 8 से, रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं दी थी, सिंपली मैंने इसको यूज़फुल लाइफ से डिवाइड कर दिया। अप्रैल में अवेलेबल फॉर यूज़ हुआ था, तो अप्रैल टू दिसंबर टोटल 9 महीने बनते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 9 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई 26.25, सही है जी।
हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है जी, माइनस करूं अगर मैं तो मेरे पास आ जाएगी कैरिंग वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2018, जो कि फिगर बनती है मेरे पास 253.75। सही, ये मेरे बैलेंस शीट के लिए फिगर आ गई एक। फिर इसके बाद मैं 2018 के लिए 2019 के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। 2019 की डेप्रिसिएशन सर सिंपली कैलकुलेट हो सकती है 280 डिवाइडेड बाय 8। सही, पूरा साल यूज़ किया हमने तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 35 की। ठीक है जी, ये भी माइनस हो जाएगी, ये मेरे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए एक फ़िगर आ चुकी है। माइनस करूँगा इन दोनों को तो मेरे पास फ़िगर आती है 218.75। सही है जी, ये मेरे बैलेंस शीट के फेस के लिए वैल्यू आ गई। अच्छा, ये वैल्यू है कौन सी? ये है मेरी कैरिंग वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है जी। अच्छा, प्लांट की वर्किंग हो गई। इसी तरीके से एक वर्किंग मैं कर लेता हूँ गवर्नमेंट ग्रांट की, वर्किंग नंबर 2-3। तो इसकी वर्किंग की कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, फिर भी देख लेते हैं कि हमारे पास 1 जुलाई 2018 को ग्रांट जो रिसीव हुआ वो था 120 मिलियन का। सर एज अ डेफर्ड इनकम के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है तो इसका कुछ पोर्शन मैं अपने पीएनएल में ट्रांसफ़र करूँगा। तो ग्रांट इनकम जो मेरे पीएनएल में ट्रांसफ़र हुई 2018 के लिए वो कितनी होगी सर? कैसे कैलकुलेट करें? 120 का प्लांट था, ओ सॉरी 120 का ग्रांट था, डिवाइड कर दूंगा मैं उसको प्लांट की लाइफ के हिसाब से, यानी 8 मिलियन। अच्छा जी, प्लांट मेरा यूज़ हुआ है 9 मंथ्स के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 9/12, इसके साथ भी करेंगे ये चीज़, तो मेरे पास फिगर आएगी 11.25। ये मेरी ग्रांट इनकम आ गई फॉर द ईयर 2018। ठीक है जी, दोनों को माइनस कर देते हैं तो मेरे पास फिगर आती है 108.75। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ग्रांट इनकम कैलकुलेट करनी है 2019 के लिए, जो कि सिंपली 120 डिवाइड बाय 8 अगर मैं कर दूं तो 15 की फिगर जो मेरे पास आती है ये मेरी ग्रांट इनकम बन जाएगी फॉर 2019। माइनस कर दूं अगर दोनों को तो मेरे पास वैल्यू आती है 93.75 की। ठीक है जी, ये दो फिगर्स मेरे बैलेंस शीट के लिए हैं। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2 हमने पूरा सॉल्व कर लिया, जो जो चीज़ें हमारे काम की थी हमारे पीएनएल और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट के लिए, वो चीज़ें भी हमने सारी आइडेंटिफाई कर ली। अच्छा जी, फिर आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है? अ वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी 2018। ठीक है जी, प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन यूज़ ऑफ DL, मतलब IS-16 से हमने ट्रांसफ़र किया है IS-40 में। ऑन 1 जनवरी 2018 कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द वेयर हाउस वॉज ₹80 मिलियन इन 16 ईयर्स। ठीक है जी, हमें 1 जनवरी की वैल्यूज़ दे दी और फेयर वैल्यूज़ उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 1 जनवरी को हमारी फेयर वैल्यू थी 104 मिलियन की, कैरिंग वैल्यू चल रही है 80 मिलियन की। आपको पता होगा कि जब IS-16 से IS-40 में अपना कोई प्लांट प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको रिवैल्यू किया जाता है सबसे पहले। सही, तो इसकी रिवैल्यूएशन चेक कर लेते हैं, आसान सी चीज़ है। वर्किंग नंबर 4 वेयर हाउस। सही है जी, कैरिंग वैल्यू है हमारी, कैरिंग वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2018 कितने की? 80 मिलियन की। सही है जी, और फेयर वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2018 जो है वो आ रही है हमारे पास 104 मिलियन की। कौन गया? 104 मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट कर लिया। कितने का सर? 104 माइनस 80, तो ये फिगर मेरे पास आती है 24 की।
ठीक है जी। अब ये जो 24 की फिगर मैंने निकाली है, ये मेरे बैलेंस शीट पे आ रही होगी। और इसका कुछ हिस्सा जो है हम ट्रांसफ़र कर रहे होंगे अपने पीएनएल में। किस पे, किस हिसाब से कर रहे होंगे? सर इसकी यूज़फुल लाइफ थी 16 इयर्स की, ये लिखा हुआ 16 इयर्स की लाइफ है। तो मतलब इस 24 को मैं 16 इयर्स के रिस्पेक्ट से अपने पीएनएल में ट्रांसफ़र करता रहूँगा, ठीक है जी। अच्छा, 1 जनवरी 2018 की ये फिगर आ गई। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को हम इसको रिवैल्यू करेंगे, फेयर वैल्यू इसकी असेसमेंट करेंगे। तो 31 दिसंबर 2018 को 96 की फेयर वैल्यू आ रही है, मतलब फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2018 जो कि आ रही है 96 मिलियन की। ठीक है जी। तो फिर इसको अब अगर बैलेंसिंग फिगर चेक करें तो मेरे पास फेयर वैल्यू लॉस आएगा इस मरतबा, क्योंकि 104 से 96 की तरफ गए हैं, तो लॉस आ रहा है मेरे पास 8 मिलियन का। ठीक है, ये मेरा बैलेंस शीट पीएनएल के लिए एक फिगर आ गई, ये फिगर मेरी बैलेंस शीट के लिए आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर फिर से फेयर वैल्यू फेयर वैल्यूएशन होगी ऑन 31 दिसंबर 2019 के लिए। सही है जी, 2019 की फेयर वैल्यू हमें क्वेश्चन ने कितनी बताई है? 115। तो 115 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हमारे पास 19 मिलियन का फेयर वैल्यू गेन आ गया। ये फिगर हमारे लिए 2018 के लिए रेलेवेंट है, ये फिगर 2019 के लिए रेलेवेंट है। ये पीएनएल के लिए आ गई और ये बैलेंस शीट के लिए आ गई। ठीक है जी। तो हमारी तमाम वर्किंग्स मुकम्मल हो गई। एक मरतबा रिव्यू अगर कर लें, व्हीकल हमने ख़रीदा था 1 जुलाई को, डेप्रिशिएट किया 31 दिसंबर 2017 की कैरिंग वैल्यू आई, फिर डेप्रिशिएट किया एक साल के लिए, फिर कैरिंग वैल्यू आई, फिर रिवैल्यूएशन लॉस हमने बुक किया एक 17 मिलियन का रिवैल्यू हुआ। ये हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर जो फिगर जो है ये हमारी बैलेंस शीट के लिए यूज़ हो जाएगी। फिर 2019 की डेप्रिसिएशन आई, 2019 में हमने फिर से रिवैल्यू किया तो इसके फेयर वैल्यू गेन रिवैल्यूएशन का गेन आ गया जो पीएनएल में ट्रीट होगा, रिवैल्यूएशन का सरप्लस आ गया जो बैलेंस शीट में ट्रीट होगा, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हीकल आ गया। फिर उसके बाद प्लांट में अगर मैं जाऊँ तो 1 अप्रैल को अवेलेबल फॉर यूज़ था, 9 महीने के लिए डेप्रिशिएट किया, 31 दिसंबर की फिगर आई, फिर हमने साल भर के लिए डेप्रिशिएट किया और 2019 के लिए भी एक फिगर आ गई। ग्रांट भी बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से ट्रीट किया, 1 जुलाई 2018 को अवेलेबल हुआ प्लांट के साथ साथ उसको हमने ग्रांट इनकम के तौर पर ट्रीट करना शुरू किया। 11.25 पहले साल में गया और 15 मिलियन का दूसरे साल में हमारा ट्रांसफ़र हुआ। फिर उसके बाद वेयर हाउस पर अगर मैं आऊँ तो मेरे पास वेयर हाउस में 1 जनवरी 2018 की एक फ़िगर थी जिसको मैंने रिवैल्यूएशन किया। क्यों? क्योंकि IS-16 से जब मैं IS-40 में जाता हूँ तो अपने प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करता हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद उसकी मजीद अकाउंटिंग करता हूँ। तो रिवैल्यू करने के बाद मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आया 24 का, फिर उसके बाद फेयर वैल्यू लॉस आया 2018 में और फेयर वैल्यू गेन आया 2019 में। ठीक है जी। तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है कि हम अपने एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट्स सबसे पहले फॉर बैलेंस शीट के लिए बना लेते हैं। बैलेंस शीट के अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाना शुरू करूं तो सबसे पहले मेरे पास आएंगे नॉन करंट एसेट्स, सही। इसमें मेरे पास कौन कौन है? पीपीई के हेड के अंदर मेरे पास दो एसेट्स आ रहे हैं, एक व्हीकल और एक आ रहा है मेरे पास प्लांट। ठीक है जी। 2019 के लिए बनाने हैं लेकिन कंपैरेटिव फिगर्स शो करनी है तो 2018 भी मुझे साथ में शो करना होगा। तो जी, व्हीकल की अगर हम फिगर्स देखने जाएं, 2018 की क्लोजिंग फिगर हमारे पास थी 302 मिलियन की और 2019 की क्लोजिंग फिगर थी हमारे पास 290 मिलियन की। ठीक है जी। तो फिगर्स पुट कर देता हूँ मैं, 302 मिलियन 2018 में आ गए थोड़ा सा ऊपर नीचे, और 290 मिलियन हमारे पास 2019 में आ गए। प्लांट के लिए अगर मैं चेक करूँ तो प्लांट की वर्किंग मेरे पास ये रही,
प्लांट में मेरे पास 2018 की फिगर है 253.75 मिलियन और 2019 की फिगर है 218.75 मिलियन। तो ये फिगर्स भी पुट कर देते हैं, तो 253.75 और 218.75। ठीक है जी, ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में पीपी का हेड हो गया। इसी तरीके से अब अगला हेड है हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेयर हाउस ही है। वेयर हाउस की अगर मैं फिगर्स चेक करूं तो मेरे पास 2018 के लिए जो फिगर है बैलेंस शीट के लिए वो 96 है और 2019 के लिए जो फिगर है वो 115 है। तो 96 फॉर 2018 और 115 फॉर 2019। ठीक है जी, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स मुकम्मल हो गए। अब चलते हैं हम अपने करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स पे आ जाते हैं। अगला हेड आ गया हमारे पास शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो सर सिर्फ एक हेड मेरा बनेगा रिवैल्यूएशन सरप्लस का। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है दो चीज़ों से। एक आया हमारे पास व्हीकल से और दूसरा आया हमारे पास वेयरहाउस से। ठीक है जी, 2018 में अगर मैं व्हीकल को चेक करूं तो 2018 में मेरे पास रिवैल्यूएशन लॉस आया था, तो ये बैलेंस शीट पर तो उसने जाना नहीं है। सरप्लस मेरे पास आया था 2019 में 5 का, तो इस 5 को मैं पुट कर देता हूं 2019 के लिए। सही, 2018 में नो रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर व्हीकल। अच्छा जी, वेयरहाउस के लिए अगर मैं जाऊं तो मैंने वेयरहाउस में 24 की रिवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट किया था फॉर 2018, तो 2018 को मेरे पास 24 का फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन सरप्लस था। इसकी यूज़फुल लाइफ थी 16 साल, तो डिवाइड कर दूँ 16 से तो ये फिगर मेरे पास आएगी 1.5 की। सही, तो 24 माइनस 1.5 मेरे पास फिगर आती है 22.5 की। सही, ये पहले साल ट्रांसफ़र होने के बाद मेरे पास बचा 2018 में मेरे पास साल के शुरू में 24 था, 1.5 का मैंने PNL में ट्रांसफ़र किया होगा तो मेरे पास 22.5 ये फिगर आ गई। ठीक है जी, फिर 2019 में मैंने फिर से 1.5 का ट्रांसफ़र किया होगा PNL में, ये चीज़ें PNL में जा रही हैं, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास 21 मिलियन का 2019 में आ जाएगा। ठीक है जी, फिर इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस की तमाम वर्किंग्स मुकम्मल हो गई। रिवैल्यूएशन सरप्लस के अलावा और कोई चीज़? हाँ सर, एक चीज़ और है, वो है नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कौन है सर? गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा जी, गवर्नमेंट ग्रांट की वर्किंग के पास चलते हैं। 2018 के लिए हमारे पास 108.75 की फ़िगर मौजूद और 2019 के लिए 93.75 की फ़िगर मौजूद। तो 108.75 और 93.75 ये फ़िगर आ गई मेरे पास गवर्नमेंट ग्रांट की। अच्छा जी, हमारे एक्सट्रैक्ट्स मुकम्मल हो गए। किस सवाल, किस चीज़ के लिए? बैलेंस शीट के लिए। अब अगले एक्सट्रैक्ट्स किसके बनेंगे हमारे पास? एक्सट्रैक्ट्स फॉर PNL। ठीक है जी, PNL में अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाना शुरू करूं तो मेरे पास कुछ एक्सपेंसेस होंगे और कुछ इनकम होंगी। एक्सपेंसेस दिखते हैं। सबसे पहला तो आता है मेरे पास हमेशा डेप्रिसिएशन। सही है जी, डेप्रिसिएशन कौन दो एसेट्स पे चार्ज करी मैंने? एक व्हीकल पे और एक प्लांट पे। कंपैरेटिव फिगर्स क्योंकि शो करनी है तो मैं 2019 और 2018 दोनों के लिए फिगर लेके आऊँगा। तो व्हीकल के लिए अगर मैं डेप्रिसिएशन जाके अपनी चेक करूँ, 34 की एक ये रही, 32 की दो ये रही। ठीक है जी, तो 2018 में 34
और 2019 में 32। सिमिलरली मैं प्लांट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुका हूँ, फिगर्स ढूंढ लेता हूँ जाके। 26.25 की 2018 में चार्ज की डेप्रिसिएशन और 35 की मैंने चार्ज करी है 2019 में। तो 26.25 और 35 2019 के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस? इसके अलावा सर एक रिवैल्यूएशन लॉस आया था मेरे पास, कितने का सर? 2018 में अगर याद हो हमने जब अपने प्लांट को व्हीकल को रिवैल्यू किया था तो 17 मिलियन का रिवैल्यूएशन लॉस आया था 2018 में। तो ये रिवैल्यूएशन लॉस हम बुक कर लेते 2018 के लिए, तो यहाँ पे कोई फिगर नहीं है रिवैल्यूएशन लॉस के अलावा। इसी के साथ 2019 में मैंने रिवैल्यूएशन गेन बुक किया था, जब 17 मिलियन से मैंने 15 मिलियन का जो रिवैल्यूएशन गेन बुक किया था, ये वाला जब मैंने रिवैल्यूएशन की थी, ठीक है जी। तो 15 मिलियन का मेरे पास रिवैल्यूएशन गेन आ गया 2019 के लिए, 2018 में कोई रिवैल्यूएशन गेन नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा और कोई चीज़? इसके अलावा सर एक ग्रांट इनकम मेरे पास मौजूद है। ग्रांट इनकम कितने की सर? 2018 और 19 दोनों सालों के लिए मेरे पास मौजूद हैं एक 11.25 और एक 15। तो 11.25 2018 के लिए और 15 2019 के लिए। इसके अलावा और कोई चीज़? सर फेयर वैल्यू की चेंजेस मौजूद हैं मेरे पास, फेयर वैल्यू के गेन्स एंड लॉसेस मौजूद हैं। एक साल हमें लॉस हुआ था और एक साल गेन हुआ था, ठीक है जी। वो भी कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ, 8 का हमें लॉस हुआ था 2018 में और 19 का हमें गेन हुआ था 2019 में। तो 8 का लॉस, एक काम करते हैं, फेयर वैल्यू गेन और लॉसेस, 19 का हमारे पास गेन हुआ, ऊपर हम अपने एरो ब्रैकेट्स बनाना भूल गए बस, 32 34 35 26 पॉइंट अशारिया 25 17 का ये हमारे पास लॉस का गेन है तो ऐड होगा, इनकम है तो ऐड होगी, गेन ऐड होगा और लॉस सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा जी, इसके अलावा और कोई चीज़ सर? इसके अलावा सर सिर्फ और सिर्फ अब बच गया हमारे पास OCI यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रांसफ़र, जो हर साल हम अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में से कुछ वो पोर्शन ट्रांसफ़र करते हैं अपने रिटेन अर्निंग्स में, ठीक है जी। सर अगर व्हीकल में मैं बात जाऊं, मैंने क्योंकि एक व्हीकल ही को रिवैल्यू किया था तो व्हीकल 2018 में मेरे पास रिवैल्यूएशन लॉस आया था, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस अगर आया है तो मेरे पास सरप्लस का कोई बैलेंस मौजूद ही नहीं है, ठीक है। 2019 में अगर मैं जाऊं तो 2019 में मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है, लेकिन सर ये क्लोजिंग फिगर है, सही क्लोजिंग फिगर है। तो मतलब ये 2020 के जब मैं फाइनेंशियल्स बना रहा हूँगा तब इस 5 मिलियन में से कुछ पोर्शन उठा के अपने P&L में ट्रांसफ़र कर रहा हूँगा, ठीक। अभी कोई मैंने अपना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसके अलावा और कोई रिवैल्यूएशन? हाँ, इसके अलावा एक रिवैल्यूएशन हमने करी थी वेयर हाउस के लिए, ये 24 मिलियन वाली, ठीक है जी। इस 24 मिलियन को मैं 16 ईयर्स की लाइफ पे ट्रांसफ़र करूँगा अपने P&L में। कैसे करूँगा सर? 24 मिलियन डिवाइडेड बाय 16, सिंपल, सही है जी। पहले साल 1.5, दूसरे साल भी 1.5 ही कर ट्रांसफ़र हुआ होगा। ऊपर ज़रा अगर बैलेंस शीट में जाके देखें, साल के शुरू में हमारे पास 24 मिलियन का था, सही, 1.5 माइनस हुआ मतलब 1.5 मेरा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हुआ तो मेरे पास ये 22.5 आया था। तो फिर 22.5 में से 1.5 माइनस हुआ तो मेरे पास ये 21 आया था, सही है जी। तो यहाँ पे आके मेरी तमाम एक्सट्रैक्ट्स मुकम्मल हो गए, सही है जी। मैंने अपनी बैलेंस शीट भी मुकम्मल कर ली, मैंने अपने बैलेंस शीट के साथ साथ P&L के भी एक्सट्रैक्ट मुकम्मल कर लिए और सवार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हुआ, ठीक है जी। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सवाल में पास पेपर्स के। अस्सलाम वालेकुम।